ओके, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जितने सारे लोग हम लोगों के पास से फिनो पेमेंट्स बैंक का मर्चेंट आईडी या सीएसपी आईडी ले रखा है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जितने सारे लोग हमारे मर्चेंट भाई हैं, वो जो माइक्रो एटीएम ऑर्डर किए थे, उनका माइक्रो एटीएम हम लोगों के पास अभी आ चुका है। ये माइक्रो एटीएम हम लोग आज जो है उनके एड्रेस में डिस्पैच कर देंगे, और आपको कुछ दिन में ही ये जो है माइक्रो एटीएम आपके एड्रेस में मिल जाएगा। आज हम लोग आपके एड्रेस में ये माइक्रो एटीएम भेज रहे हैं, और आज के इस वीडियो में एक माइक्रो एटीएम को हम लोग अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसका लुक कैसा होता है, इसको ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, और इसके अंदर आपको क्या क्या फ्यूचर देखने को मिल जाता है, और इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, कितने में आपको पड़ेगा। और अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का मर्चेंट आईडी लेना चाहते हैं, नए जुड़ना चाहते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ, तो ये सब भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो जो लोग हम लोगों को असम और वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, उनको बता दूं बंगाली में मैं, ठीक है? তো যারা যারা আমাদের কাছে মাইক্রো এটিএম অর্ডার করেছিলেন এটা, তো আজকে আমরা আমাদের কাছে চলে এসেছে রাত্রে, আমরা আজকে আপনার অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিব, আপনি কিছুদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো দেখিয়ে সবসে পেলে মে আপকো ইসকা রেট জো বতাউঙ্গা, ইসকা আইডি বগেরা কা সারা কুছ কা, উসকে বাদ মে আপকো ইসকো আনবক্সিং করকে দিখাউঙ্গা, অর ইসকা আপকো ফিউচার জো দিখাউঙ্গা। তো সবসে পেলে আগর আপ মার্চেন্ট আইডি নিউ লেঙ্গে, ওনলি মার্চেন্ট আইডি, ঠিক আছে, ওনলি সিএসপি আইডি লেঙ্গে ফিনো পেমেন্ট ব্যাঙ্ক কা, তো আপকো 1000 রুপিস পে করনা হোগা, ঠিক আছে? 1000 রুপিস মে আপ জো ওনলি ফিনো পেমেন্ট ব্যাঙ্ক কা মার্চেন্ট আইডি লে সকতে হ্যাঁ। অর ইয়ে 1000 রুপিস হাম লোক নাহি লেতে হ্যাঁ, আপকে হি অ্যাকাউন্ট মে অ্যাজ আ সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা রহতা হ্যায়। উসকে বাদ আগর আপ माइक्रो एटीएम और इस फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी दोनों एक साथ लेते हैं, तो आपको 3500 रुपीस पड़ेगा, 3500 रुपीस आपको पड़ेगा माइक्रो एटीएम और फिनो पेमेंट्स बैंक का मर्चेंट आईडी, ये दोनों, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि कोई जो है फ्री में देता है फिनो का सीएसपी आईडी, और कोई जो है 500 में देता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको जो है अभी फ्री में फिनो पेमेंट बैंक आईडी तो दे देगा, या फिर 500 रुपीस में तो आईडी दे देगा, बट बाद में आपको जो है डिवाइस वगैरह नहीं देगा, ये सब जो किट है आपको जो वेलकम किट होता है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, ये सब आपको नहीं देगा, तो बाद में आपको जो है बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना होगा। बट अगर आप हम लोगों के पास से लेते हैं तो हम लोग सारा कुछ आपको अवेलेबल कराते हैं देने के लिए, ठीक है? तो अगर आप फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग आपको जो है बैनर भी प्रोवाइड कराते हैं अगर आप हम लोगों के पास से आईडी लेते हैं तो। बहुत सारा लोग हम लोगों से ऐसे भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि सर मुझे सिर्फ बैनर चाहिए, तो हम लोग उनको बैनर जो है नहीं दे सकते। जो मर्चेंट हम लोगों के पास से ओनली आईडी लेंगे उसी को हम लोग दे सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि जेन्युइन पर्सन के पास से जो है आप आईडी लीजिए। इस तरह का बैनर आपको जो है हम लोग देते हैं, तो ये बैनर भी आपको मिल जाएगा। हम लोग बहुत सारे रिटेलर को ये बैनर दिए हैं और हम लोग के पास फिलहाल कुछ ही बचा है, तो ये सारा कुछ भी आपको दे दिया जाएगा। मैं इसको एक बार काट के जो है दिखाता हूँ बैनर कैसा रहता है। तो ये सब अगर आप हम लोगों के पास से लेंगे तभी हम आपको जो है दे सकते हैं। अगर आप कहीं और से लेंगे और हम लोगों के पास से सिर्फ बैनर या किट वगैरह लेने आएंगे तो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों को कंपनी की ओर से बताया जाता है कि जो 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 है हमारे नेटवर्क में है उन्हीं को हम लोग जो है दे सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का बैनर आपको जो है दिया जाता है, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो देखिए इस टाइप का बैनर आपको जो है दिया जाता है। ये जो है मेरे पास बंगाली है, इंग्लिश और हिंदी बैनर अभी आने वाला है, तो वो भी आपको जो है हम लोग दे देंगे। फिलहाल जो है बंगाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह टाइप का बैनर आपको जो है हम लोग देते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का बैनर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब आपको अगर चाहिए होगा तो आप हम लोगों के पास से आईडी लीजिए तभी आपको मिलेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आपको रेट बता दिया कि आईडी आप कितने में ले सकते हैं, कितने में माइक्रो एटीएम ले सकते हैं, और आईडी प्लस माइक्रो एटीएम कितने में ले सकते हैं। अब मैं आपको ये जो है एक माइक्रो एटीएम को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और इसका फ्यूचर भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो आप जब डिवाइस ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके का बॉक्स आपके एड्रेस में हम लोग भेजते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर आपको जो है माइक्रो एटीएम फिनो पेमेंट्स बैंक का देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स को देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का सब जो है लिखा रहेगा और यहाँ पर एक ओपन का दिया रहेगा। तो यहाँ पर इसको खोलिए, खोलने के बाद इसको जो है निकाल लीजिए, ऐसे करके आप निकाल लीजिए। तो ये जो है इस तरीके का लुक एटीएम देखने को मिल जाता है, और अंदर कुछ नहीं है, एक सिर्फ यूज़र मैनुअल है। तो यहाँ पर इसको मैं इस बॉक्स को साइड में रखता हूँ, और देखिए इस तरीके का आपको माइक्रो एटीएम देखने को मिल जाता है जो है इसके अंदर।
और यूज़र मैनुअल आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको यूज़र मैनुअल दिया जाएगा। इसको खोल के यहाँ पर सारा सेटअप वगैरह लिखा गया है कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। और देखिए, इस तरीके का आपको जो है एटीएम या माइक्रो एटीएम जो है देखने को आपको मिल जाता है फिनो पेमेंट्स बैंक का। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से निकालना है। निकालेंगे जब से जैसे, तो इस तरीके का मिलेगा। नीचे आपको एक केबल देखने को मिलेगा जो कि इसको रिचार्ज चार्जिंग केबल जो है ये दिया गया है, जो कि इसको चार्ज करना होता है। तो ठीक है, तो ये इससे आप चार्ज भी कर सकते हैं इस डिवाइस को। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी और इसको आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरीके का डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है। और इधर कुछ बटन्स दिए गया है, यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, ऊपर फिनो पेमेंट्स बैंक का लोगो दिया गया है, और इस पर देख सकते हैं, इस पर भी फिनो पेमेंट्स बैंक लिखा है और सारा मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब मैं इसका फ्यूचर्स बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर्स देखने को मिल जाता है, जो कि पिन यहाँ पर कस्टमर एंटर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक कैंसिल बटन देखने को मिल जाता है, इससे आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को। ठीक है, उसके बाद कस्टमर अगर कोई पिन एंटर किया और पिन गलत हो गया, तो उसको क्लियर करने के लिए इसका जो है यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद पिन एंटर करने के बाद जो एंटर का बटन होगा, वो यहाँ पर एंटर का दिया गया है। अब इसको ओपन जो है कैसे करते हैं, इसको जो है खोलते कैसे हैं, इसको ऑन कैसे करते हैं स्विच, तो स्विच ऑन करने के लिए आप इसको थोड़ा चार्ज कर लीजिएगा। अगर चार्ज नहीं रहेगा तो स्विच ऑन नहीं होगा। ठीक है, जब आपको नया ये डिवाइस मिले तो आप चार्ज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कैंसिल का बटन है और पावर बटन भी यही है, तो इसको आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस तरीके से। और देखिए, एक आवाज़ हुआ और यहाँ पर डिवाइस ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी आ चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम मैसेज सारा वगैरह आ चुका है, चार्जिंग भी यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो इसको ऑन कर सकते हैं और इसका सारा फ्यूचर यहाँ पर दिया गया है। अब जो है कार्ड को कैसे स्वैप करना होता है, इसको ऑन करने के बाद आपको ब्लूटूथ से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है अपने आईडी से इसको, और जो डिवाइस है यहाँ जो एटीएम कार्ड है उसको यहाँ पर ऊपर से जो है देना होता है, यहाँ पर ऊपर से जो है देना होता है। और जो स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड इस यहाँ से जो है देना होता है, इस वाले से स्मार्ट कार्ड, और जो फिनो पेमेंट्स बैंक का एटीएम वगैरह है वो यहाँ से जो है कर सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं, इस तरीके का लुक आपको मिल जाता है फिनो पेमेंट्स बैंक का डिवाइस का। तो आपको अगर ये डिवाइस चाहिए या फिर आईडी चाहिए तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको डिवाइस या आईडी दे देंगे। तो इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ जानना है तो नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और सारा कुछ मैंने आपको डिटेल्स में आज के इस वीडियो में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।